नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट काउंटिंग आरसनर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आरसीआईटी एग्जाम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट विद आंसर। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर आरसीआईटी एग्जाम से रिलेटेड लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आज का ये हमारा चौथा वीडियो है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे जो तीन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हम कर चुके हैं उनको नहीं देखे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के साथ साथ आप उन तीनों वीडियो को भी जरूर देखें। और उन तीनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सारे वीडियो आपको नेक्स्ट एग्जाम जो कि 6 दिसंबर 2020 को होने जा रहे हैं उस एग्जाम में आपकी काफी मदद करेगा। और ये ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। आप देख रहे होंगे स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर के सामने ये इस टाइप का रेड बटन आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब। आपको सिंपली इस पे करना होगा क्लिक, और जैसे ही क्लिक करोगे तो इस टाइप का ये बेल आइकन का आपके सामने बटन आ जाएगा और इस पे आप क्लिक करोगे। और इस क्लिक करने के बाद इस पे ऑल पे क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, जैसे भी हम आरसीआईटी एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का ये पहला क्वेश्चन जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड है। एकाधिक वर्कशीट और चार्ट से मिलकर एक एक्सेल दस्तावेज का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सेल में एक सेल में किन वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं? तो इसमें काफी सारे ऑप्शन आप देख रहे हो, शाब्दिक सामग्री संख्या, फॉर्मूला फंक्शन, नंबर, मुद्रा प्रतीकों विराम चिन्ह या उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी को हम शामिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, टेक्स्ट की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अलाइनमेंट टेक्स्ट को व्रैपिंग और विलय करने आदि को बदलने में उपयोगी होता है, तो इसका सही आंसर है अलाइनमेंट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर चार, एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो सही आंसर रहेगा स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर पांच, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं? तो सही आंसर इसका Ctrl+H, यानी कि इसकी शॉर्टकट की है वर्कशीट में हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर छह, भी प्रीडिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो कि स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं, तो सही आंसर इसका C, यानी कि फंक्शन। तो दोस्तों, आपको आंसर के साथ साथ क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हो सकता है इस क्वेश्चन को एग्जाम में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर सात, पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम किस कौन सी की का शॉर्टकट प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर इसका Ctrl+Page+F। तो इसका हो गया पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए। अगर क्वेश्चन ये आ जाए भी बाद वाली वर्कशीट पर जाने के लिए, तो इसलिए हम Ctrl+Page down का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, फॉर्मूला में शुरू से अंत के सेल से एड्रेस द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे किसके द्वारा पृथक कर सकते हैं? तो सही आंसर रहेगा इसका कोलन के। क्वेश्चन नंबर नाइन, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हेडर, और जो बॉटम साइड में होता है नीचे की साइड में उसे हम बोलते हैं फुटर। क्वेश्चन नंबर 10, एमएस एक्सेल 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? तो सही आंसर इसका .xlsx। तो ये 2010 की जो फाइल बनती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड उसका एक्सटेंशन नाम है। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्ड प्रोसेसिंग को किसके द्वारा विकसित किया जाता है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सही आंसर इसका रहेगा माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विभिन्न टैब्स पर कमांड को संगठित करना और टॉपिक के आधार पर डॉक्यूमेंट कार्य के लिए कमांड्स के समूह बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं
रिबन। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ड डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए कौन सी कीज का इस्तेमाल होता है? तो सही आंसर रहेगा एंटर कीज, यानी कि जब भी हम पेज एंड पे होते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ होता है डॉक्यूमेंट के लिए ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर दिखाई देती है जिसे डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के नाम को दर्शाता है, उसे हम बोलते हैं टाइटल बार, जो कि स्टार्टिंग में यहाँ पे रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड में व्यूइंग एरिया दिखने वाले स्क्रीन एरिया को घटाता और बढ़ाता है, तो इसे हम बोलते हैं जूम स्लाइडर। जैसे कि हम यहाँ पे एक पट्टी होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जिसे हम अगर कम या ज्यादा करेंगे तो जो स्क्रीन का जो एरिया होता है डॉक्यूमेंट एरिया जिसे हम बोल देते हैं या टेक्स्ट एरिया हम बोल देते हैं, वो स्क्रीन के हिसाब से छोटा या बड़ा, यानी कि वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी लाइन के प्रारंभ में पूछने के लिए कौन सी एक कीज का प्रयोग करते हैं? सही आंसर इसका होम कीज। तो ये तो था भी किसी भी लाइन के प्रारंभ में, यानी कि पूछने के लिए स्टार्टिंग पे। अब जैसे कि कर्सर अब हमारा पहुंचने के पास है और हम कौन सी की दबाएं कि कर्सर हमारा या फिर किसी के पास से किसी से पहले आ जाए, तो होम पेज। अगर क्वेश्चन को इस टाइप से पूछा जाए भी किसी भी लाइन के अंत में पहुंचने के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए रहेगा एंड कीज। क्वेश्चन नंबर 17, आप अपने विचारों एवं योजनाओं को अनेक प्रकार से व्यवस्थित कर प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि हम टेबल के थ्रू अपने विचार और योजनाओं को सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, जो डिजाइन है जो बाय डिफॉल्ट नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 19, एमएस वर्ड 2010 में से आपको कौन सा मेन्यू टैब फॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है, यानी कि होम जो हमारा टैब होता है उसी में हम फॉन्ट्स के हो गया या फॉन्ट का साइज बदलने के लिए या फॉन्ट का टाइप बदलने के लिए होम टैब का यूज करते हैं, यानी कि ये सारे फंक्शन है जो होम टैब में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने से तात्पर्य है, यानी कि स्ट्राइक थ्रू हम किस लिए करते हैं? सही आंसर, चयनित टेक्स्ट के मध्य भाग में एक रेखा खींचना, यानी कि जैसे एक टेक्स्ट है तो इसको बीच में से हम लाइन अगर करनी हो, अगर बिल्कुल नीचे लगेगी तो उसे हम बोलते हैं अंडरलाइन, अगर शब्द के या किसी लाइन के बीच में अगर कोई लाइन बनती है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 21, जो कि पावर पॉइंट से रिलेटेड है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन उपलब्ध होते हैं, डिजोल्व, वाइप कट्स या स्टैंडर्ड फेड या उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे जो स्लाइड ट्रांजिशन होते हैं वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 का जो वर्जन है उसमें रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मोशन पाथ क्या है? तो इसका सही आंसर, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेजेंटेशन का प्रिंट किसके रूप में हम ले सकते हैं? प्रिंट प्रीव, स्पीकर नोट्स, हैंड्स आउट या बी एम सी दोनों? तो हम स्पीकर नोट्स के थ्रू भी ले सकते हैं और हैंड्स आउट के भी जरिए ले सकते हैं, यानी कि बी और सी दोनों आंसर इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्लाइड के पीछे इंसर्ट कर सकते हैं क्लिप कार्ड को, पिक्चर को, बैकग्राउंड कलर को या उपरोक्त सभी को? तो हम इन सभी को ही इन स्लाइड के बैक साइड में इनको इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यदि उपयोगकर्ता सीधे एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान स्लाइड नंबर 4 पर जाना चाहता है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होगा? तो 4+ Enter का। अगर वो 5 नंबर पे जाना चाहे तो 5+ Enter, 6 पे जाना चाहे तो 6+ Enter, अगर 3 पे जाना चाहे तो 3+ Enter। तो यानी कि डायरेक्टली वो स्लाइड नंबर 4 पे पहुंच जाएंगे अगर 4+ Enter का यूज करेंगे शॉर्टकट कीज का। क्वेश्चन नंबर 26, पावर पॉइंट दर्शय जो कि केवल टेक्स्ट बुलेट और शीर्षक को दर्शाता है, तो सही आंसर रहेगा इसका आउटलाइन व्यू। क्वेश्चन नंबर 27, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं? तो सही आंसर रहेगा Ctrl+D, यानी कि एक स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने के लिए, डुप्लीकेट जोड़ने के लिए Ctrl+D। क्वेश्चन नंबर 28, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है,
तो सही आंसर इसका स्लाइड। अगर ये पूछा जाए भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रत्येक पेज कहलाता है, तो उसे हम बोल देते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। क्वेश्चन नंबर 29, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जा सकती है, यानी कि इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक को डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा फाइल का प्रारूप विंडोज पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है? तो .gif, .jpg, .wav या उपरोक्त सभी। तो इन सभी को हम जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर दी हुई है, GIF की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक इंटरचार्ज फॉर्मेट, और JPG की जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो आपको ये फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आएगी, तो फुल फॉर्म को भी आप बिल्कुल साथ में याद रखें। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट से रिलेटेड। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।